भाई लोग आज बात करने लगे रोमन रिंग्स के फ्यूचर प्लान को लेके। बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है, इसके अलावा बात करेंगे रॉक के बारे में, आज रॉक का बर्थडे है, और इसके अलावा बात करेंगे अपने जॉन सीना के बारे में कि जॉन सीना का नेक्स्ट अपोनेंट कौन होगा, और बात करेंगे कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं अपने रॉक के बारे में, द पीपल चैंप द ब्रह्मा बुल रॉक। गाइज आज रॉक का बर्थडे है, गाइज आज से रॉक अपने 50 साल के हो गए हैं, तो गाइज रॉक की बर्थडे की बहुत बहुत बधाइयां। क्या गाइज अपने रॉक रिटर्न करने वाले हैं WWE में? गाइज क्या रॉक अपने आएंगे 51 साल के होके WWE में? क्या रॉक वर्सेस रोमन का मैच होगा? तो गाइज बहुत सारी बधाई, और मैं आशा करता हूँ कि अपने रॉक वर्सेस रोमन का मैच होगा अगले साल के रेसलमेनिया में। चलिए गाइज बात करते हैं अपने कोडी रोड्स के बारे में। तो गाइज कोडी रोड्स का भी एक इंटरव्यू है अपने कोरी ग्रेव्स के साथ। तो गाइज यहाँ पे कोडी रोड्स ने बहुत कुछ बात की रिटर्न के बारे में, उसे ट्रोलिंस के मैच के बारे में, उनका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है। तो गाइज उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताया कि अगर वो WWE अंडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनते हैं, फिर WWE चैंपियन बनते हैं, तो वो पुरानी अपनी टाइटल लाएंगे जो कि विंग्ड ईगल टाइटल है, उसको मैं दोबारा लाऊंगा, क्योंकि मैंने विंस मैकमैन से बात भी कर ली है, अगर मैं चैंपियन बनता उसको मैं दोबारा लाऊंगा, या फिर उसी डिजाइन में उसको मैं थोड़ी बहुत चेंज करूंगा, उसको मैं दोबारा टाइटल लेकर ही आऊंगा। तो गाइज ऐसा कहना कोडी रोड्स का, लेकिन गाइज मेरा ऐसा मानना है कि इस टाइटल का मिड कार्ड में तो अच्छी रहेगी, लेकिन गाइज मेन टाइटल में ऐसा नहीं रहेगा। गाइज मेन टाइटल के लिए गाइज WWE इतना पुराना गोल्ड वाला टाइटल लाए गाइज, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। गाइज जो लगता है टाइटल देखे कि हाँ कोई टाइटल है, क्या धमाकेदार टाइटल गाइज, क्या उसमें गोल्ड ही गोल्ड रहता है गाइज। तो मेरा मानना है गाइज कि पुरानी गोल्ड टाइटल आनी चाहिए WWE की, ना कि विंग्ड ईगल टाइटल आनी चाहिए। चलिए गाइज बात करते हैं कल होने वाली मंडी नाइट रॉ के बारे में। तो गाइज कल की मंडी नाइट रॉ में अपने रोमन रिंग्स एडवर्टाइज किए जा रहे हैं। गाइज गाइज कल की मंडी नाइट रॉ में रोमन रिंग्स आएंगे पॉल हेमन के साथ, और साथ में उनके उसोज भी आ सकते हैं। गाइज गाइज अगर उसोज भी आते हैं गाइज, तो यहाँ पे अपने आरके ब्रो और ड्रू मैकइंटायर भी उनका फेस ऑफ हो सकता है। गाइज गाइज ये बैकलैश के पहले का होम गो एडिशन शो है गाइज, तो यहाँ पे हो सकता है अपने ड्रू मैकइंटायर आरके ब्रो वर्सेस रोमन रिंग्स और उसोज के बीच कोई ब्रॉल या फाइट देखने को मिल सकती है। और गाइज के अलावा कुछ ही मंडी नाइट रॉ के लिए एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा, सिर्फ यही अपने रोमन रिंग्स पर एडवर्टाइज किए जा रहे हैं। और कहीं चलिए बात करते हैं ड्रू मैकइंटायर के बारे में। ड्रू मैकइंटायर ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया अपने रोमन रिंग्स रिकॉर्डिंग। तो कहीं ड्रू मैकइंटायर ने कहा है कि मैंने उसोज को पूरी तरीके से फोड़ दिया है, और मैं उसके बाद रोमन रिंग्स के सामने उसको फेस टू फेस किया, और मैं उसके बाद उसको भी सोट दिया, और मैं आने वाले समय में भी रोमन रिंग्स को कूटने वाला हूँ। और गाइज अगली भी खबर अपने ड्रू मैकइंटायर से जुड़ी हुई है। गाइज गाइज जैसे ही आपको बताओ कि गाइज ड्रू मैकइंटायर वर्सेस बॉबी लेसली का एक लाइव इवेंट मैच हुआ था गाइज, जहाँ पे रोप्स टूट गई थी, बॉबी लेसली गिर गए थे। तो गाइज ड्रू मैकइंटायर का कहना है कि हाँ मेरा बॉबी का मैच हुआ था, मैं दोनों रिसल कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने बॉबी को रिंग रोप पे धक्का दिया, लेकिन धक्का देने से पूरी रिंग ही टूट गई और बॉबी जाके नीचे गिर गया। मैं तो डर गया था कहीं बॉबी चोटिल तो नहीं हो गया, लेकिन बॉबी अब ठीक है, और मैं आने वाले समय में बॉबी और मेरा दोबारा फाइट हो सकती है, और ये बिल्कुल तरीके से रियल थी, ना कि कोई स्क्रिप्टेड ये मूवमेंट था। और गाइज बात कर रहे हैं अपने रोमन रिंग्स के फ्यूचर प्लान के लिए, बहुत बड़ी रिपोर्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। गाइज आप सबका मानना है कि रोमन वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच क्यों नहीं हुआ है अभी रेसलमेनिया बैकलैश में? तो गाइज WWE का मानना है कि अगर मैं रोमन वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच अभी करा दूंगा, जो मेरे PPV प्रीमियम लाइव इवेंट होंगे, उसमें मैं क्या करूंगा, क्योंकि गाइज प्रीमियम लाइव इवेंट WWE के स्टेडियम में होते हैं, तो गाइज स्टेडियम के लिए गाइज ज्यादा से ज्यादा बड़े मैच इंटेंशन चाहिए। तो गाइज मानना है कि इसमें कारण से अपने ड्रू मैकइंटायर ही हैं जो कि रोमन रिंग्स को फेस कर सकते हैं, और सिंसे नाकामुरा को इस लाइक समझते हैं कि सिंसे नाकामुरा रोमन रिंग्स को फेस करें। तो गाइज हो सकता है गाइज अपने ड्रू मैकइंटायर को बचा के रखे हैं कार्डिफ में होने वाले UK में जो लाइव इवेंट है उसके लिए, या फिर समर स्लैम के लिए, क्योंकि गाइज मंडे नाइट रॉ से उनको पैसा उठाने पड़ेंगे अपने रोमन रिंग्स के लिए। गाइज रोमन रिंग्स के लिए गाइज अपने एज स्टाइल बेस्ट चॉइस है अपने सेट रोलिंस है, रैंडी ओटन है, कोडी रोड्स है। तो गाइज WWE का ऐसा मानना है अगर मैं रेसलमेनिया बैकलैश में रोमन वर्सेस ड्रू करा देता तो गाइज मेरा ये बहुत बड़ा मैच यहीं पे खत्म हो जाता, इसलिए उन्होंने सिक्स मैन टैग टीम मैच का ऐलान कर दिया है। तो गाइज इसलिए अपने रोमन वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच नहीं हुआ है गाइज, आगे चल के अपने ड्रू मैकइंटायर रोमन रिंग्स का मैच हो सकता है फ्यूचर में। और गाइज चलिए बात करते हैं बहुत बड़ी खबर के बारे में, जो कि आपको पता ही होगा कि NXT के 10 WWE सुपरस्टार को रिलीज कर दिए अपने विंस मैकमैन। गाइज लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट आई अपने डेव मिलर की तरफ से, कि डेव मिलर ने कहा है कि जो WWE का सालाना रेवेन्यू होता है गाइज, उसके पहले WWE अपने स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ के भी कुछ सुपरस्टार रिलीज करने वाली है, क्योंकि उसको अपने रेवेन्यू में पैसा बढ़ाना है, जिससे उसके और ज्यादा उसके बिजनेस में ग्रोथ आए।
तो गाइस हो सकता है गाइस कि कौन कौन से सुपरस्टार का नंबर लग सकता है अब आने वाले समय में, कौन सुपरस्टार रिलीज होगा, कौन रहेगा, क्या अपने कोई बड़े सुपरस्टार रिलीज होते हैं जिसको WWE बड़ा सुपरस्टार नहीं समझती है, क्या अपने सेट रोलिंस हो सकते हैं रिलीज, क्या अपने रैंडी ऑर्टन हो सकते हैं रिलीज। तो गाइस WWE वालों ने बहुत बड़ा प्लान बनाया है आने वाले समय में किस किस सुपरस्टार को रिलीज करेंगे गाइस, जो आने वाले समय में पता चलेगा। और गाइस चलिए बात करते हैं अपनी फाइनल खबर के बारे में जो कि जुड़ी अपने जॉन सीना सुनेशन लीडर के बारे में। तो गाइस अपने जॉन सीना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई कि अपने जॉन सीना समर स्लैम रिटर्न करने वाले हैं गाइस, और गाइस जो उनका ओपोनेंट होगा और कोई नहीं बल्कि अपने विंस मैकमहन के लाडले ऑस्टिन थ्योरी होंगे गाइस। ऐसा गाइस हिंट कर रहे अपने बार बार ऑस्टिन थ्योरी भी, और विंस मैकमहन का ये प्लान है कि क्योंकि विंस मैकमहन ऑस्टिन थ्योरी को नेक्स्ट जॉन सीना के रूप में देखते हैं गाइस। तो गाइस हो सकता है गाइस अपने जॉन सीना वर्सेज ऑस्टिन थ्योरी का यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच हो जाए समरस्लैम में। और गाइस आप सबको पता ही कि अपने जॉन सीना मैच हारने के लिए मशहूर है गाइस, तो हो सकता है गाइस कि समरस्लैम में आकर अपने जॉन सीना मैच हार जाए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है गाइस कि नॉन टाइटल फ्यूड होनी चाहिए अपने ऑस्टिन थ्योरी वर्सेज जॉन सीना के बीच में, क्योंकि गाइस अपने जॉन सीना हरा दे ऑस्टिन थ्योरी को, क्योंकि गाइस अपने जॉन सीना के पास इतना टाइम तो है नहीं कि जॉन सीना आके रुकेंगे और चैंपियन बेल्ट लेके कैरी करेंगे गाइस। ये एक ऐसा भी हो सकता है गाइस अपने जॉन सीना चैंपियन बन जाए यूनाइटेड स्टेट, और उसके बाद वो आके अपनी टाइटल को रिलिंक्विश कर दें और वो सभी सुपरस्टार को बुला के रिंग में बोल दें कि आप जिसको जीतना है तो ले जाओ, अपने टूर्नामेंट कर लो, टाइटल ले। तो गाइस ये मेरा ऐसा मानना है कि अपने जॉन सीना को टाइटल मैच में नहीं रेसल करना चाहिए, नॉन टाइटल मैच रेसल करना चाहिए और उनको हरा देना चाहिए अपने ऑस्टिन थ्योरी को। गाइस जॉन सीना जब जाते हार जाते गाइस उनके फैंस भी ज्यादा निराश जाते हैं गाइस। तो गाइस ऐसा मानना है कि अपने जॉन सीना को जीतना चाहिए मैच जिससे उनके फैंस निराश ना हो। तो गाइस ये बहुत बड़ी अपडेट थी गाइस आज इस वीडियो में। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइस।